हर सपना सबके मन पर छाया है। सुनता हूँ मैं हर पल लेकिन तुमने ये बतलाया है। सोच की कोई दिशा नहीं पर समझ की सुंदर काया है। Born to be remembered, born to be remembered, born to be remembered, born to be remembered। नमस्कार श्रोताओं, वक्त कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता, लेकिन वक्त के साथ जो ना चल सके उसे जिंदगी में जीत का आनंद भला कैसे मिलेगा। हम कई बार ऐसे लोगों को अपने आमने सामने देखते हैं जिनका अंदाज दूसरों से अलग होता है और फिर अपने दोस्तों से उनके बारे में बातें भी करते हैं। हाल ही में डेविड धवन द्वारा निर्देशित फिल्म चश्मे बद्दूर प्रदर्शित हुई थी। इस फिल्म ने दर्शकों को तो अवश्य ही हंसाया, लेकिन इसने उनको 1981 में प्रदर्शित हुई फारूक शेख और दीप्ति नवल द्वारा निर्मित क्लासिक कॉमेडी फिल्म चश्मे बद्दूर की याद जरूर दिला दी। ये याद लोगों के मन में कुछ ऐसे ताजा हुई कि बड़े शहरों में इसे एक बार फिर बड़े पर्दे पर प्रदर्शित किया गया। ये एक ऐसी फिल्म थी जो हर पीढ़ी के दर्शकों का दिल मोह लेने में कामयाब रही। आज हम बात करेंगे इसी फिल्म के निर्देशक साई परांजपे की। हालांकि आप में से कुछ ने साई परांजपे का नाम शायद ना सुना हो, लेकिन हम आपको बता दें कि ये पैरेलल सिनेमा की एक प्रमुख हस्ती रह चुकी है। अपनी फिल्मों में साई जी एक आम आदमी और उसकी रोजमर्रा की समस्याओं को दर्शाने के लिए जानी जाती हैं। तो चलिए साई जी की जिंदगी के कुछ पन्ने आज पलटते हैं। साई परांजपे का जन्म 19 मार्च 1938 को लखनऊ शहर में एक रूसी पिता और भारतीय माँ से हुआ था। उनके पिता यूरा स्प्लेट्सोफ एक वाटर कलर कलाकार और माँ शकुंतला परांजपे मराठी और हिंदी फिल्मों में अभिनेत्री थी। साई जी को बचपन में फिल्मों का शौक लगा अपने अंकल अच्युत रानाडे से, जो कि 40 और 50 के दशक के मशहूर फिल्म निर्माता थे। वो साई को अपनी कहानियां ऐसे सुनाते थे जैसे अपनी फिल्म के स्क्रीन प्ले का कथन कर रहे हों। उन्हीं से प्रेरित होकर साई जी ने बचपन से ही लिखना शुरू कर दिया और अपनी पहली परियों की कहानी की किताब 8 वर्ष की उम्र में प्रकाशित करवाई। साई जी ने 1963 में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से स्नातक किया। साई जी ने अपने करियर की शुरुआत पुणे में ऑल इंडिया रेडियो से एक अनाउंसर के तौर पर की और जल्दी ही AIR के लिए बच्चों के कार्यक्रम बनाने लग गई। साई जी ने 1972 में दूरदर्शन के लिए द लिटिल टी शॉप शॉर्ट फिल्म बनाई, जिसे तेहरान में एशियन ब्रॉडकास्टिंग यूनियन अवार्ड मिला। साई जी की पहली फीचर फिल्म स्पर्श, जो कि नसीरुद्दीन शाह और शबाना आजमी द्वारा अभिनीत है, 1980 में रिलीज हुई। इस फिल्म में नसीर साहब एक अंधे की भूमिका में दिखे। गाने, कहानियाँ, नाटक, हैंडीक्राफ्ट सब कुछ आता है थोड़ा थोड़ा। आप ही बताइए इसमें से क्या सिखाएं? मैं यही चाहूंगी बेचारों को ज्यादा से ज्यादा दे सकूं। देखिए, एक छोटी सी अर्ज है, एक लफ्ज आप जितनी जल्दी भूल जाएं उतना अच्छा होगा। बेचारा, हमें मदद चाहिए, तरस नहीं। यहाँ के बच्चों की जिंदगी में एक बहुत बड़ी कमी जरूर है, लेकिन उस कमी का बार बार एहसास दिलाने से कोई फायदा नहीं है किसी को भी, बल्कि उन्हें ये एहसास दिलाना चाहिए कि जिंदगी में फिर भी उम्मीद है। ये कैसे होगा आप सोचेंगी, बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा आपके लिए, लेकिन ये मत भूलिए कि अगर आप उन्हें कुछ देंगी तो वो भी आपको बहुत कुछ देंगे। किसी का किसी पर एहसान नहीं, कोई बेचारा नहीं, ठीक? स्पर्श ने राष्ट्रीय पुरस्कार सहित 5 फिल्म पुरस्कार जीते। अगले वर्ष कॉलेज के 3 लड़कों और उनकी जिंदगी के ऊपर साई जी ने कॉमेडी फिल्म चश्मे बद्दूर प्रदर्शित की। इस फिल्म को पैरेलल सिनेमा की अभी तक की सबसे श्रेष्ठ फिल्मों में गिना जाता है। आग यहाँ लगी है और कयामत वो देखो। बच्चों वाली हरकतों में तुम मुझे मत घसी। लड़कियों का पीछा करना बच्चों वाली नहीं, नौजवानों वाली हरकत है। ओहो शिकार, चमको बार बार लगातार। मशहूर फिल्म डायरेक्टर डीएल लखनपाल का नाम आपने जरूर सुना होगा। अरे हम पहले भी कहीं मिल चुके हैं पिछले जन्म में। मुझे लगता है लड़की कुछ गड़बड़ है। अरे एक के साथ वही नाजो नखरे, वही अदाएं, मीठी मीठी बातें। ऐसी लड़की से हमें अपने दोस्त को बचाना चाहिए, ये हमारा फर्ज है। मुझे अगर मौका मिले तो ये टकला शेटी डैनी वैनी अमजद सबकी छुट्टी कर दूं मैं। जिसकी मेम उसकी गेम। 1982 में उनकी फिल्म कथा प्रदर्शित हुई, जो कि मुंबई की एक चौल के जिंदगी पर आधारित थी।
इस फिल्म में नसीरुद्दीन शाह, दीप्ति नवल और फारूक शेख मुख्य भूमिका में दिखे। उनकी एक और फिल्म साज लता मंगेशकर और आशा भोसले की जिंदगी और आपसी संबंधों पर आधारित थी। साई जी ने इसके अलावा टीवी कार्यक्रम अड़ोस पड़ोस और छोटे बड़े का भी निर्देशन किया। उन्होंने फीचर फिल्मों के अलावा कई डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाई। उनमें से प्रमुख थी हेल्पिंग हैंड, टॉकिंग बूट्स, कैप्टन लक्ष्मी आदि। उनकी डॉक्यूमेंट्री चूड़िया, जो कि महाराष्ट्र के एक गांव में शराब विरोधी आंदोलन पर आधारित थी, ने बेस्ट फिल्म ऑन सोशल इश्यूज श्रेणी में राष्ट्रीय पुरस्कार जीता। अपने करियर में साई जी ने कई मराठी, हिंदी और इंग्लिश नाटक निर्देशित किए। उन्होंने 6 फीचर फिल्में और 5 डॉक्यूमेंट्रीज लिखी और बनाई। इसके साथ ही उन्होंने बच्चों के लिए कई किताबें भी लिखी, जिनमें से 6 राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित हुई हैं। आज साई जी को हम उनके जन्मदिन पर ढेरों शुभकामनाएं देते हैं। प्रिय श्रोताओं, आमतौर पर हम समझते हैं कि एक फिल्म को हिट कराने का श्रेय मुख्यतः उसके निर्देशक और अभिनेताओं को जाता है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि निर्देशक के दृष्टिकोण को हकीकत में उभारने का श्रेय उसके चलचित्रकार यानी सिनेमेटोग्राफर को जाता है। आज हम जिनकी बात करेंगे, उन्होंने अपनी सिनेमेटोग्राफी द्वारा बॉलीवुड की सबसे लोकप्रिय फिल्म शोले को एक ऐसे पायदान पर लाकर खड़ा कर दिया जहां उस समय की और कोई भी फिल्म उसके आसपास नहीं टिक पाई। आज जन्मदिन है शोले के चलचित्रकार दारका दिवेचा का। दिवेचा जी हिंदी फिल्म उद्योग के एक विख्यात चलचित्रकार थे। उन्हें मुख्यतः शोले, प्रोफेसर और खिलौना फिल्मों के लिए जाना जाता है। अपने कार्यकाल में उन्होंने तकरीबन 100 फिल्मों में काम किया था। दारका दिवेचा का जन्म 19 मार्च 1918 में मुंबई में हुआ था। 14 वर्ष की आयु में उन्होंने पहली बार एक पुराना कैमरा हाथ में लिया और तभी से उन्होंने कैमरामैन बनने की आशा रखी। अपने करियर की शुरुआत में ही उन्होंने हिट फिल्मों जैसे रतन, दिल्लगी, 16वां साल आदि में काम किया। हालांकि इन फिल्मों ने उन्हें देश का सबसे सम्मानित चलचित्रकार बना दिया था, लेकिन उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिली 1975 में प्रदर्शित हुई रमेश सिप्पी की निर्देशित फिल्म शोले से। तुम यहाँ गब्बर को पकड़ के मेरे हवाले करने आए हो, जिंदा वादा करो तुम उसे मुझ तक जिंदा पहुँचाओगे। आपकी नजरों में हम भी तो चोर बदमाश हैं। फिर उस डाकू को पकड़ने के लिए आपने हम दोनों को क्यों चुना? इसलिए कि लोहा लोहे को काटता है। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। हॉलीवुड को अपना आदर्श मानने वाले दिवेचा जी के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि थी जब ऑस्ट्रेलिया के विख्यात चलचित्रकार टॉम कोविन ने शोले देखने के बाद उनसे कहा, मे बी यू इवन बीटन हॉलीवुड, और हॉलीवुड ने इस बात की हामी भी भरी। हम आपको बता दें कि बॉलीवुड में शोले 70mm लेंस पर शूट होने वाली दूसरी फिल्म थी। पहली फिल्म 1967 में प्रदर्शित हुई फिल्म अराउंड द वर्ल्ड थी। दिवेचा जी मानते थे कि शोले के लिए उनका सफलता मंत्र था उनका निर्देशक रमेश सिप्पी पर पूर्ण विश्वास। फिल्म की शुरुआत से ही दोनों ने मिलकर फिल्म के हर सीन की कल्पना की। फिल्म में किसी भी सीन को लेकर कोई समझौता नहीं हुआ। जैसी कल्पना सिप्पी जी के दिमाग में थी, वैसा ही दिवेचा जी ने उन्हें कैमरे में तब्दील करके दिखाया। फिल्म के निर्माण के कुछ पन्ने पलटते हुए दिवेचा जी ने कहा कि ठाकुर के परिवार के कत्ल वाले सीन को वो लोग जब भी शूट करने जाते थे, आसमान हमेशा सूर्यवत और साफ रहता था। ये सीन के मूड के हिसाब से नहीं जाता था, जिस वजह से उन्हें शूट रोक देनी पड़ती थी। वो तभी शूट कर पाते थे जब आसमान बादलों से भरा होता था, जो कि उदास भाव को प्रतिबिंबित करता था। इस जरूरत के चलते ये सीन एक साल तक शूट होता रहा। एक और वाकये में उन्होंने बताया कि एक सीन में जया जी को दुखी और कमजोर दिखना था, लेकिन क्योंकि वो उस समय गर्भवती थी, उनके चेहरे पर एक तेज था और वो शरीर से स्वस्थ थी। दिवेचा जी ने ये बात सिप्पी जी से कही कि इस स्थिति में जया जी का मलिन रूप नहीं दिख पाएगा। सिप्पी जी ने उनकी बात पर अमल करते हुए शूट पैकअप करवा दिया और जया जी की डिलीवरी के बाद ही उन्होंने वो सीन शूट किया। दिवेचा जी अपने काम को लेकर बहुत गंभीर रहते थे और शूट के दौरान भी क्रू के कई सदस्यों को काम सही ना होने पर उनके गुस्से का सामना करना पड़ता था। वो हॉलीवुड के सिनेमेटोग्राफी कार्य के बहुत बड़े प्रशंसक थे
और मानते थे कि बॉलीवुड में चलचित्रकार को रचनात्मक हुनर दिखाने की आजादी नहीं मिल पाती। दुर्भाग्यवश दिवेचा जी शोले की ख्याति का बहुत लंबे समय तक आनंद नहीं उठा पाए। 5 जनवरी 1978 को 60 वर्ष की उम्र में उन्होंने हमसे हमेशा के लिए विदा ले ली। आज दिवेचा जी को हमारी और सभी शोले प्रशंसकों की तरफ से हार्दिक श्रद्धांजलि। हर कोई सुरक्षा चाहता है, फिर चाहे वो मानव हो या जानवर या फिर पेड़ पौधे। हर बच्चा अपने माँ बाप की सुरक्षा में रहना चाहता है। समाज अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस की मदद चाहता है। ऐसे ही राष्ट्र अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए सेना की तैनाती चाहते हैं। यानी हर कोई अपनी सुरक्षा की चाहत रखता है। लेकिन सोचिए कि 6 अरब से अधिक की जनसंख्या वाली इस दुनिया की सुरक्षा कौन करता है? पृथ्वी नामक इस ग्रह को भी सुरक्षा की जरूरत होती है। इसके जीव, इसके पौधे, इसकी नदियां, समुद्र, पहाड़, बर्फ, इन सब की रक्षा करनी होती है। कल्पना कीजिए, अगर सारी बर्फ पिघल जाए तो पूरी दुनिया में बाढ़ आ जाएगी, सारे महाद्वीप पानी में डूब जाएंगे। मानिए पृथ्वी का तापमान इतना ज्यादा हो जाए कि सारा पानी सूख जाए तो पृथ्वी में सारा जीवन नष्ट हो जाएगा। तो क्या ये सुंदर धरा रहने लायक रहेगी? नहीं। इसका मतलब है कि इस दुनिया की रक्षा करने के लिए भी कोई चाहिए। जी हाँ, प्रकृति ने भी इसकी सुरक्षा के लिए एक सुरक्षा कवच बनाया है जिसे ओजोन लेयर कहते हैं। ये लेयर पृथ्वी की सुरक्षा अल्ट्रावायलेट किरणों से करती है जिससे पृथ्वी का वायुमंडल और तापमान स्थिर रहता है। जिन्होंने 1974 में इस बात की खोज की कि रेफ्रिजरेटर और अन्य उपकरणों में इस्तेमाल होने वाली CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस वातावरण में घुलने से ओजोन लेयर के लिए खतरा बन रही है, उन्होंने पाया कि अंटार्कटिक ओजोन पार्ट में इस वजह से छेद हो रहा है। उन्हें उनकी इस खोज के लिए पॉल जे क्रोइंट से और एफ शेरवुड रोलेंड के साथ संयुक्त रूप से 1995 में केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। मैक्सिको शहर के लिए ये गर्व की बात थी क्योंकि मैक्सिको में जन्मे मोलिना पहले व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। मारियो मोलिना का जन्म 19 मार्च 1943 को मैक्सिको में हुआ था। मोलिना एक उच्च वर्गीय परिवार से आते थे। उनके पिता रॉबर्ट मोलिना पास्कुएल इथियोपिया, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस में अपने देश के राजदूत रहे हैं। वो बचपन से ही विज्ञान में इतनी दिलचस्पी रखते थे कि अपने बाथरूम को उन्होंने एक छोटी मोटी प्रयोगशाला में बदल दिया। उन्हें ये प्रेरणा अपनी आंटी एस्थेर मोलिना से मिली जो खुद एक केमिस्ट थी। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मैक्सिको सिटी और स्विट्जरलैंड से प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने नेशनल ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी ऑफ मैक्सिको से 1965 में केमिकल इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की। 1972 में उन्होंने बर्कले की यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से डॉक्टरल की डिग्री हासिल की। 1974 में अपने दो सहयोगियों के साथ जब उन्होंने CFC और ओजोन परत के बीच के संबंध को दुनिया के सामने रखा तो उससे दुनिया में ओजोन परत को बनाने की कोशिशें शुरू हुई और इस गैस के प्रयोग पर रोक लगाने के प्रयास शुरू हुए। 1974 और 2004 के मध्य में वो अपनी खोजों में लगे रहे। इसके साथ साथ उन्होंने कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी और मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में अध्यापन का कार्य भी किया। MIT में उन्हें अर्थ एटमॉस्फेरिक एंड प्लेनेटरी साइंस और केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में नियुक्त किया गया। 1 जुलाई 2004 को उन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन डिएगो के डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री एंड बायोकेमिस्ट्री में नियुक्त किया गया। इसके अलावा उन्हें स्क्रिप्स इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी में भी नियुक्त किया गया। मारियो मोलिना को उनके द्वारा की गई महत्वपूर्ण खोज के लिए 1985 में नोबेल प्राइज के अलावा कई सम्मानों से नवाजा गया। वो अमेरिकन एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ साइंस और US नेशनल अकादमी ऑफ साइंस के सदस्य भी हैं। 1987 में उन्हें अमेरिकन केमिकल सोसाइटी के एसलेन अवार्ड से सम्मानित किया गया। 8 अगस्त 2013 को उनके काम को तब प्रसिद्धि मिली जब US राष्ट्रपति बराक ओबामा द्वारा उन्हें प्रेसिडेंटल मेडल ऑफ फ्रीडम से नवाजा गया। आज हम पृथ्वी की रक्षा में योगदान देने वाले इस साइंटिस्ट को उनके जन्मदिन पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति पर गर्व है। हमारी सभ्यता विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है।
हमारे देश में ब्रिटिश राज से पहले इतिहास और संस्कृति को प्रमाणिक रूप देने की कोई परंपरा नहीं थी। इतिहास का लेखन हमारे देश में प्रचलित नहीं था। हम ये तो कहते थे कि हम विश्व गुरु हैं, लेकिन इसके पक्ष में कोई प्रमाण नहीं दे पाते थे। ऐतिहासिक रूप से देश की समृद्ध सभ्यता समय के काल चक्र में छुप गई। हमारे सौभाग्य से ब्रिटिश हुकूमत ने अपने एक होनहार अधिकारी को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का डायरेक्टर जनरल बनाकर हिंदुस्तान भेजा। ये होनहार और परिश्रमी व्यक्ति थे सर जॉन हॉबर्ट मार्शल। 19 मार्च 1876 को इंग्लैंड के चेस्टर में जन्मे मिस्टर मार्शल ने अपनी शिक्षा पहले डलिच कॉलेज और फिर कैम्ब्रिज के किंग्स कॉलेज से प्राप्त की। वर्ष 1902 में लॉर्ड कर्जन ने उन्हें ब्रिटिश इंडिया के आर्कियोलॉजिकल सर्वे का डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया। ब्रिटिश हुकूमत ने उन्हें भारतीय उपमहाद्वीप के पुरातत्व प्रोग्राम का आधुनिकीकरण और उसकी कैटलॉगिंग यानी सारीकरण और संरक्षण की जिम्मेदारी दी। हमारा देश मिस्टर मार्शल का आभारी है कि उन्होंने हमारे देशवासियों को इस बात का मौका दिया कि वो अपने देश के महत्वपूर्ण पुरातत्व धरोहरों की खुदाई में शामिल हो सके। उन्होंने तक्षशिला की खुदाई का कार्य शुरू किया जो लगभग 20 वर्षों तक चला। 1918 में उन्होंने तक्षशिला संग्रहालय के नींव का पत्थर भी रखा। इस संग्रहालय में खुदाई में मिली मूर्तियां और मार्शल साहब की प्रतिमाएं रखी हुई है। इसके बाद वो खुदाई के लिए अन्य जगहों पर गए जिसमें सांची और सारनाथ के बुद्ध धर्म स्थल भी शामिल थे। उनके द्वारा की गई पुरातत्व स्थलों की खुदाई ने पूरे विश्व को भारतीय सभ्यता के दर्शन करा दिए, विशेषकर सिंधु घाटी की सभ्यता, मौर्य काल और अशोक महान का युग। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की खुदाई से पता चला कि उस समय की हिंदुस्तानी सभ्यता ऊंचे दर्जे की थी। इस सभ्यता का काल 1900 से 2600 ईसा पूर्व का माना जाता है। उस समय निर्माण में पक्की मिट्टी की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। बड़े बड़े स्नान गृह बने थे। शहर के गंदे पानी को निकलने के लिए नालियां बनी हुई थी। नापतोल के लिए मानक पैमाने थे। कपड़ों को बनाने के लिए कपास का प्रयोग किया जाता था। गेहूं, धान, सब्जियों और फलों की खेती की जाती थी। उस समय तांबा और कांसा धातु का प्रयोग किया जाता था। शायद तब तक उन्हें लोहा धातु का ज्ञान नहीं था। यहाँ के लोग कृषि का काम करते थे और अपनी अतिरिक्त उपज का व्यापार करते थे। उनका व्यापार वर्तमान इराक तक फैला था। खुदाई में कुछ मोहरे भी पाई गईं, जिसका मतलब है कि वहाँ सुव्यवस्थित शासन व्यवस्था कायम थी। कुल मिलाकर पाया गया कि एक उन्नत सभ्यता थी। मार्शल साहब के द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य को देखते हुए ब्रिटिश हुकूमत ने उन्हें 1910 में कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ इंडियन एम्पायर और 1915 में उन्हें नाइटहुड से सम्मानित किया। 17 अगस्त 1958 को इस लगनशील ब्रिटिश अधिकारी ने इंग्लैंड में अंतिम सांसें ली। आज उनकी जयंती पर उनकी उपलब्धियों को याद करते हुए इस महान शख्सियत को विनम्र श्रद्धांजलि। रिचर्ड फ्रांसिस बर्टन, ये नाम है एक ऐसी शख्सियत का जिसकी प्रतिभा को सीमा में बांधा नहीं जा सकता है। वो एक भूगोल शास्त्री, अन्वेषक, अनुवादक, लेखक, फौजी, पुरातत्व वैज्ञानिक, शिल्पकार, भाषाविद, कवि, नर्तक आदि न जाने कितनी विधाओं के स्वामी थे। वो अपनी लंबी लंबी खोज यात्राओं के लिए जाने जाते थे। उन्होंने प्राचीन इतिहास की खोज के लिए एशिया, अफ्रीका और अमेरिका तक की यात्राएं की। उन्हें भाषाओं और संस्कृति पर असाधारण पकड़ थी। बताया जाता है कि उन्हें 29 विदेशी भाषाओं का ज्ञान था जो एशिया, अफ्रीका और यूरोप में बोली जाती थी। सर बर्टन का जन्म 19 मार्च 1821 में इंग्लैंड के डेवोन में हुआ। उनके पिता ब्रिटिश आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल थे। बर्टन का परिवार काफी यात्राएं किया करता था। शुरुआती शिक्षा उन्होंने घर में ही प्राप्त की। उनके माता पिता ने उनकी पढ़ाई के लिए शिक्षकों को घर में ही बुलाया। उनकी औपचारिक शिक्षा 1829 में रिचमंड के रिचमंड ग्रीन स्कूल में हुई। अगले कुछ वर्षों में उनका परिवार इंग्लैंड, फ्रांस और इटली के बीच घूमता रहा। शुरू से ही बर्टन की रुचि विभिन्न भाषाओं को सीखने की रही और जल्द ही उन्होंने फ्रेंच, इटालियन, नेपोलिटन और लैटिन सीख ली। हिंदुस्तान प्रवास के दौरान उन्होंने हिंदुस्तानी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी और मराठी सीखी। In only 5 more months, he was ready to sit the exams in Persian and in Sanskrit. And he went on. He took the languages in India like other British people took the drink. And he learned Multani, Punjabi, he learned Telugu, he learned Balochi. He learned and he learned and he learned.
अफ्रीका प्रवास से पहले बर्टन ने इजाबेल अरुंडेल से सगाई कर ली। इसके लिए उनके परिवार वाले तैयार नहीं थे, क्योंकि एक तो वो कैथोलिक थी और दूसरा वो धनी परिवार से नहीं थी। लेकिन बाद में उनका परिवार इस संबंध के लिए राजी हो गया। बर्टन की महत्वपूर्ण उपलब्धियों में उनकी मक्का की यात्रा थी, जिसमें वो वेश बदल कर गए और वहीं उन्होंने अरबी की पुस्तक 1001 रातें का अनुवाद इंग्लिश में अरेबियन नाइट्स के रूप में किया। उन्होंने महर्षि वात्स्यायन द्वारा लिखित संस्कृत की पुस्तक कामसूत्र का इंग्लिश में अनुवाद भी किया। इसके अलावा उन्होंने जॉन हैनिंग के साथ मिलकर नील नदी के स्रोत, अफ्रीका की ग्रेट लेक विक्टोरिया की भी यात्रा की। बर्टन ने ब्रिटिश हुकूमत की साम्राज्यवादी नीतियों की कड़ी निंदा की और इस वजह से उनके करियर पर बुरा प्रभाव भी पड़ा। वो विद्वान लेखक थे, उन्होंने कई विषयों पर लिखा। उनके लेखन में मानव व्यवहार, यात्राएं, बांस पालन, सेक्स क्रियाएं और एथनोग्राफी यानी मानव समुदाय के मूल जैसे मुद्दे विशेष तौर पर वर्णित रहते थे। उनकी पुस्तकों की विशेषता थी पुस्तकों पर लिखे वो फुटनोट, जिसमें वो अपने विचार और सूचनाएं व्यक्त करते थे। इस सब के अलावा वो ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में कैप्टन भी रहे, जिसमें उन्होंने भारत से बाहर क्रीमिया युद्ध में भी भाग लिया। उनकी प्रसिद्धि अफ्रीका के ईस्ट तट के पुरातत्व की खोज की वजह से ज्यादा जानी जाती है। इस काम के लिए उन्हें रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी ने अनुबंधित किया। अपने इस कार्य के लिए उन्होंने स्थानीय लोगों की मदद से तांगानिका झील की यात्रा की। उनके कार्यों को सम्मान देने के लिए सरकार ने उन्हें कई देशों में ब्रिटिश काउंसिल नियुक्त किया। वो रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी के सदस्य और नाइटहुड से सम्मानित भी किए गए। अक्टूबर 1890 को ट्रिएस्टी में दिल के दौरे से बर्टन की मृत्यु हुई। आज उनके जन्मदिन पर हम इस बहुमुखी प्रतिभा के धनी को सलाम करते हैं। और श्रोताओं, अब कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनवाते हैं इस गीत को। आपको इस गीत को सुनना है जिसमें छिपा है हमारे आज के एपिसोड का सवाल। इस गीत को सुनकर आपको बताना है कि इसे किस मशहूर गायिका ने गाया है। अपने जवाब हम तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल कीजिए हमारी ईमेल आईडी का। हमारी ईमेल आईडी है borntoberemembered@gmail.com। साथ ही आप चाहें तो हमसे जुड़ सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पर भी, जहां मिलेंगी आपको लेटेस्ट अपडेट्स। हमारा फेसबुक पेज है facebook.com/borntoberemembered। अब मुझे यानी कि संदीप भट्ट को अनुमति दीजिए 19 मार्च के इस एपिसोड को यहीं पर समाप्त करने की। नमस्कार। मैं बनना चाहूँ जैसा परछाई सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा परछाई सपनों में। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता है अभिषेक लकड़ा, सह प्रस्तुतकर्ता कोपल ठाकुर, आलेख ईशा शिव, शोध एवं विकास अभिषेक शर्मा, कार्यकारी निर्माता जैनेन्द्र सिंह,